गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? जल्दी से लाइव आ जाइए। लाइव वाले, क्या टॉपिक चला था हमारा? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, जिसमें हमने विभिन्न विभागों को जाना था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत के दौरान ही जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाती थी तो कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था, कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हम जानेंगे कश्मीर, जौनपुर, मालवा, मेवाड़, बंगाल, इसी के साथ साथ दो दक्षिण भारत में भी रहेंगे, विजयनगर और बहमनी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वॉइस क्लियर है? एक बार बताइए बच्चे, क्लियर है? चलो टॉपिक लिखना, स्टार्ट करते हैं क्लास को। लिखो सल्तनत काल का विघटन, सल्तनत काल का विघटन, विघटन एवं क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी सवाल आते हैं। अब ट्रेंड चल रहा है कि मुख्य दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन ना पूछकर जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे उनसे सवाल आते हैं अब, ठीक है। तो इसमें हम देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक प्रारूप बनाना पड़ेगा। इस प्रारूप में जो हम कवर करेंगे जो क्षेत्रीय राज्य हैं, फिर हम उनको मैप में भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हम कश्मीर, एक क्षेत्रीय साम्राज्य कौन सा पढ़ेंगे? कश्मीर। इसी में पढ़ेंगे जौनपुर, जिसको हम पूर्व का सिराज बोलेंगे, ठीक है, जौनपुर को पढ़ेंगे। एक बार हम देखो मैप में देखते हैं, मैप से बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि कौन सी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। एक रफली मैप बनाना आना चाहिए आप लोगों को। क्या हुआ? गूगल ही है ये, हाथ से काम करना सीखो, आलकस मत करो, ठीक है। बनाना आना चाहिए, वहां क्या गूगल काम आएगा? अपने हाथ से लोकेशन भरोगे तो कश्मीर को हम यहां पर देखेंगे, कहां, किसको देखेंगे? कश्मीर, ठीक है। इसी में एक साम्राज्य मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में रहेगा एक, जिसको हम देखेंगे जौनपुर। क्या देखेंगे? जौनपुर, ठीक है। जौनपुर के अतिरिक्त हम गुजरात को देखेंगे, थोड़ा किसके बारे में जानेंगे? गुजरात के बारे में। यह उस समय की साम्राज्य है, क्षेत्रीय साम्राज्य, ठीक है। यहीं पर हम बंगाल को देखेंगे, गुजरात, यहां राजस्थान में हम मेवाड़, और मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे मालवा के बारे में, किसके बारे में? तो यह तो उत्तर भारत के क्षेत्रीय राज्य रहेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे दक्षिण भारत में भी दो साम्राज्य रहेंगे, जिसमें लिख सकते हो आप बहमनी, कौन सा? बहमनी और विजयनगर, विजयनगर, ठीक है। तो ये टॉपिक रहेंगे हमारे क्षेत्रीय राजवंशों में। इतने डिटेल से नहीं पढ़ने जितना हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ना, जो पेपर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसी को हम जानेंगे। तो इसमें एक लिस्ट में क्या नाम लिख सकते हो आप? जौनपुर के अतिरिक्त बताइए कौन सा था? गुजरात पढ़ेंगे, मालवा पढ़ेंगे, और कौन सा पढ़ेंगे? बंगाल, मेवाड़, ठीक है। कितने हुए? छह हुए। तो उत्तर भारत में हम ये पढ़ेंगे, मेवाड़, कश्मीर, जौनपुर, दिखाई दे रहा मैप में आपको। और दक्षिण भारत में दो पढ़ेंगे, साउथ इंडिया में कौन से दो पढ़ेंगे, जिसमें बहुत फेमस है विजयनगर, बहुत पूछा जाता है विजयनगर से क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। आपने हम्पी का नाम सुना होगा, हम्पी, ठीक है ना, या एक लोक नृत्य देखा होगा यक्षगान कर्नाटक का, जानेंगे हम किसके बारे में? यक्षगान के भी बारे में, ठीक है। सचिन गौतम नमस्कार सर जी लिखते हैं, नमस्कार सचिन, ठीक है। और दूसरा देखेंगे बहमनी, कौन सा देखेंगे?
बेहमनी, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे, साउथ इंडिया में दो रहेंगे और नॉर्थ इंडिया में, इसमें भी हम ज्यादा फोकस जो करेंगे कश्मीर जौनपुर, यहां से सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर और जौनपुर से दोनों से सवाल आते हैं, ठीक है। बाकी सवाल तो देखो अब मालवा गुजरात ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो समझ में आया ना, क्षेत्रीय राजवंश यानी ये ऐसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक था एक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, तो जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई देखते थे कि शासक दिल्ली में कमजोर बैठा है, भाई यहां पर कमजोर है, तो जिनकी दूरी ज्यादा है दिल्ली से दूरी ज्यादा है, जैसे बंगाल, बंगाल हमेशा से दिल्ली की राजनीति से दूर रहा तो अलग ही अपना बना लिया राज्य, ऐसे गुजरात की भी दूरी ज्यादा है, ठीक है, कश्मीर अलग हो गया। और एमबीटी के समय पर तो ये दोनों राज्य किसके समय पर बने थे, मैंने लिखवाया था आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर नहीं आया था अस्तित्व में, दोनों ही एमबीटी के समय पर अलग हुए थे, बहमनी और विजयनगर, तो इनको जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एकमात्र हिंदू साम्राज्य रहेगा, मिडिवल हिस्ट्री में हम हिंदू जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, केवल विजयनगर को, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से दोहराइए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम, कश्मीर पढ़ेंगे, जौनपुर पढ़ेंगे, गुजरात पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे, मालवा, बंगाल, विजयनगर और बहमनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चलें। तो पहला टॉपिक लिखेंगे हम कश्मीर, पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, कश्मीर, ठीक है। और ये हम कश्मीर की जो स्थिति पढ़ रहे हैं ना, वो हम प्राचीन कश्मीर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम मध्यकाल पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, मध्यकाल, यानी हम मुस्लिम काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे पहले भी कश्मीर पर हिंदू कुछ राजवंश शासन करते हैं, कारकोट वंश, लोहार वंश, उत्पल वंश, उनके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो प्राचीन हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। हम पढ़ेंगे जो मध्यकाल में कश्मीर की क्या स्थिति थी, कौन सा राजवंश था, कौन कौन से प्रमुख शासक थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें भी, देखो कश्मीर में भी एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कश्मीर में भी दो शासक मोस्ट हैं जिनसे सवाल आते हैं, एक शासक है सिकंदर शाह और एक शासक है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन के नाम से कौन फेमस था बताइए, जैनुल आबदीन किस नाम से फेमस था, कश्मीर का अकबर या कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो हम दो टॉपिक मोस्ट पढ़ेंगे, सिकंदर शाह और जैनुल आबदीन, क्लियर है। तो अगर हम देखो कश्मीर की बात करें, सबसे पहला फैक्ट जो लिखेंगे, अगर हम इसमें शासक देखें जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, प्रमुख शासक, प्रमुख शासक जिनके बारे में हमको जानना है, ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम रहेगा कश्मीर के शासकों में शाहमीर, क्या नाम रहेगा, शाहमीर, जो कश्मीर की स्थापना करेगा शाहमीर वंश पर, कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना करेगा और दिल्ली उस पर कश्मीर की गद्दी पर बैठेगा शमसुद्दीन के नाम से, किससे नाम से, शमसुद्दीन, तो इसको आप सुल्तान शमसुद्दीन भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा एक शासक हम पढ़ेंगे सुल्तान अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर सुल्तान सिहाबुद्दीन, सुल्तान सिहाबुद्दीन, ठीक है। और याद रखना दो प्रमुख शासक जिन पर आप फोकस करेंगे, एक करेंगे सिकंदर शाह पर फोकस, सिकंदर शाह, ठीक है, और एक शासक रहेगा जैनुल आबदीन, जैसा इसका नाम है जैनुल आबदीन, जैनुअन शासक रहेगा, बिल्कुल आबदीन, एकदम जैनुअन, ठीक है, अच्छा शासक, कश्मीर का सबसे महान शासक। और नसरुद्दीन मोहम्मद याकूब शाह ये अंतिम शासक रहेगा, कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद याकूब शाह, ठीक है। तो इतना तो देखो हम केवल इनकी दो की वंशावली जानेंगे, डिटेल से हमको सिकंदर शाह और जैनुल आबदीन पढ़ने, ठीक है, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ये अंतिम शासक है, अंतिम, अंतिम कौन था, अंतिम शासक पूछा जाएगा कश्मीर का, क्या बताओगे, नसरुद्दीन मोहम्मद याकूब शाह। उसके बाद 1586 ईस्वी में अकबर, जब आगे हम मुगल काल पढ़ेंगे तो अकबर कश्मीर का विलय कर लेगा अपने साम्राज्य में, ठीक है, किस वर्ष करेगा,
1586 में कब अकबर, ठीक है, किसमें शामिल कर लेगा इसको, मुगल साम्राज्य में, किसके अंतर्गत आ जाएगा ये भी, मुगल साम्राज्य के। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है, जिसको हमको पढ़ना है, और दो प्रमुख जिन पर फोकस करना है बताइए, सिकंदर शाह और जैनुअल आबदीन, ठीक है ना, जैनुअल आबदीन। तो स्टार्ट करें, अब देखो सबसे पहले किसके बारे में जाने हम, पहला टॉपिक क्या लिख लेते हैं बताइए, सहामीर शमसुद्दीन या सुल्तान शमसुद्दीन। तो पहला टॉपिक है हमारा सुल्तान शमसुद्दीन, शमसुद्दीन, ठीक है। इसके बारे में देखो पहला फैक्ट, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी रखनी है हमको सिर्फ, जैसे कश्मीर में या कश्मीर पर सहामीर वंश की स्थापना करी, कौन से वंश की स्थापना, तो पूछा जाए कश्मीर पर सहामीर वंश का संस्थापक कौन था और इसका वास्तविक नाम भी क्या था, वास्तविक नाम इसका सहामीर था, तो अपनी अपने ही नाम पर इसने वंश की स्थापना करी, सहामीर वंश की, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया। दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो था सहामीर, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया कि कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक। देखो अगर स्थापना की अगर वर्ष पूछ ले तो एक तिथि याद कर सकते हो, 1339 एडी की घटना है, कब की है, 1339 एडी की घटना। ये कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन, सहामीर, समझ में आया नहीं आया। और साथ ही साथ याद रखेंगे इसने जो अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी इसने अपनी राजधानी बताया था इंद्रकोट को, किसको, इंद्रकोट, इंद्रकोट, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। अभी तक हमने केवल कितना जाना कि कश्मीर पर स्वतंत्र कश्मीर राज्य की स्थापना सहामीर ने करी थी, जो शमसुद्दीन की, शमसुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा था, किस नाम से बैठा था, शमसुद्दीन नाम से बैठा था, और यह कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था, इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, इंद्रकोट को बनाया था। यह कश्मीर के प्रमुख शासकों की लिस्ट है, ठीक है ना, प्रमुख शासक, जिसमें हमने तीन तो क्रम से लिखे हैं, ये एक तो दो तीन, ये तो क्रम से है बिल्कुल, कभी मिलाने के लिए आ जाए क्रम से लगाओ। उसके बाद हमने प्रमुख शासक लिखे हैं जिसमें सिकंदर शाह, सारा फोकस हमारा सिकंदर शाह और जैनुअल आबदीन पर रहेगा, और इन दोनों में भी देखें तो हम जैनुअल आबदीन, क्योंकि ये कश्मीर का सबसे महान शासक है, सबसे अच्छा शासक है, एक कल्याणकारी शासक है, ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे हम, किसके, जैनुअल आबदीन। अंतिम शासक अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कश्मीर का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था, तो ये नाम भी याद रख लेना, नसरुद्दीन मोहम्मद याकूब शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद याकूब शाह, कितना याद रख सकते हो, ज्यादा नहीं तो इतना रख लेना, याकूब शाह। उसके बाद 1586 ईस्वी में, 1586 एडी में मुगल शासक रहेगा अकबर, अकबर कश्मीर का विलय मुगल साम्राज्य में कर लेगा, किस में कर लेगा, मुगल साम्राज्य। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, कश्मीर का विलय मुगल साम्राज्य में किसने करा था, अकबर ने, आगे पढ़ेंगे पर हम इसको, किसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक। इतना समझ में आया नहीं आया, आगे स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब देखो दूसरा शासक जो हमको पढ़ना है, सुल्तान अलाउद्दीन, थोड़ा सा किसके बारे में जानना है, सुल्तान, इनका कोई कार्यकाल याद नहीं करना, कोई कार्यकाल वगैरह याद कुछ नहीं करना है, ठीक है, जितनी बस बातें बताई जा रही है इतना भी अगर कर लोगे तो इससे भी सवाल पूरा आएगा, ठीक है, इससे सवाल आएगा। इसके बारे में याद रखना सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में कि इसने एक तो राजधानी परिवर्तित कर दी, क्या कर दी, राजधानी, इसने राजधानी इंद्रकोट, इंद्रकोट के स्थान पर अलाउद्दीनपुर, राजधानी क्या कर दी, अलाउद्दीनपुर, मतलब श्रीनगर, उस समय श्रीनगर के पास थी ये, तो ये अलाउद्दीनपुर ले गया अपनी राजधानी,
ठीक है। और सुल्तान अलाउद्दीन से एक सवाल पूछा जाता, इसने अपने शासनकाल में कानून बनाया था एक नियम, तो ऐसे पूछ सकता आपसे एग्जामिनर, कश्मीर का वह शासक कौन था जिसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी विधवा या दुराचारिणी स्त्री ठीक है, वो अपने पति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, ठीक है ना, अपने पति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकती कोई विधवा, जैसे किसी राजा की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसकी जगह गद्दी पर बैठ जाना उत्तराधिकारी समझते हो ना। तो इसने क्या नियम पास कराया था कि विधवा या बुरे चरित्र वाली स्त्री, जिसको दुराचारिणी स्त्री बोलते हैं, बुरे चरित्र की स्त्री अपने पति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, उत्तराधिकारी नहीं बन सकती, ठीक है, याद रहेगा ये। नहीं, वो तो गोद निषेध नीति में आएगा, ठीक है, वो गोद निषेध नीति में आएगा। क्या ये नियम लागू करा था इसने कश्मीर में, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, वैसे कभी पूछा गया नहीं है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा पूछ सकता है कि ऐसा नियम या कानून किसने बनाया था, ठीक है, ऐसा दे सकता है एग्जाम में। तो हमको एक सामान्य जानकारी सिर्फ इसके बारे में इतनी पढ़नी है। तीसरा जो पढ़ना, सुल्तान सिहाबुद्दीन, देखो इनके बारे में ज्यादा नाम याद नहीं रखने, ठीक है, अगर सवाल देखो 90% गारंटी की बात है कि जैन अलाउद्दीन या सिकंदर शाह से सवाल आएगा, परंतु 10% में अगर आ जाए, पूछ ले कश्मीर का प्रथम शासक कौन था, कश्मीर पर सहमीर वंश की स्थापना किसने करी, और सिहाबुद्दीन से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये सहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना गया, इसी ने कश्मीर में जो सहमीर वंश था उसको सुव्यवस्थित करा, तो इसको क्या बोलते हैं, सहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक सिहाबुद्दीन। नाम याद हुए तीन, पहला शमसुद्दीन, दूसरा अलाउद्दीन, तीसरा सिहाबुद्दीन, बिल्कुल क्लियर है, तीन नाम तो ये करने हैं। अब सारा फोकस किस पर करेंगे हम, सिकंदर शाह और अब देखो पहला टॉपिक लिखना सिकंदर शाह, पहला टॉपिक क्या रहेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह सबसे पहला पॉइंट। तो इसके बारे में अगर तुम कश्मीर के सिकंदर शासक के बारे में तुमसे कोई एक जानकारी पूछे, सबसे पहले बताना कि ये धर्मांध शासक था, क्या था, धर्मांध यानी कट्टर मुस्लिम धर्मांध शासक, ठीक है, तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या बताओगे, कोई आपसे पूछे कैसा शासक था, धर्मांध शासक, ठीक है, धर्म का अंधा, अभी इसके कार्यों से पता चलेगी, कितने मंदिर टूटवाएगा ये भी, इसने जो सूर्य मंदिर है मारतंड मंदिर वो भी टूटवा दिया था, इसकी उपाधि भी वही थी, इसने उपाधि वही ली थी जो किसने ली थी, महमूद गजनवी ने, किसने ली थी, बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, क्या उपाधि धारण करी थी इसने, मूर्ति भंजक। अगर पूछा जाए कश्मीर का वह शासक जिसने मूर्ति भंजक या बुत सिकन की उपाधि ली, सिकंदर शाह, कैसा शासक था, धर्मांध शासक था, कैसा शासक था। अगर हम इसके देखो कार्यकाल की बात करें तो इसका भी अगर रखना चाहो तो याद रख लेना, बाकी कभी ऐसा पूछा तो जाएगा नहीं, 1389 से लेकर 1413 तक, ठीक है, याद रख लेना, सिर्फ रख सको तो कोई बात नहीं है, नहीं तो सिकंदर शाह याद रखना। दूसरा, इसका जो मूल नाम था, मूल नाम वो शंकर था, मूल नाम क्या था, शंकर, तो ये भी ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, शंकर सिकंदर शाह दोनों से ऐसे ऐसे इसके नाम आ रहे। उपाधि क्या थी, बुत सिकन, ठीक है, उपाधि क्या थी,
अब एक बात याद रखना, इसका एक वजीर था, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, और इसका सलाहकार भी था। इसका प्रधानमंत्री एंड सलाहकार, परामर्श, जिससे परामर्श लेते हैं, सलाह कौन था? सुहा भट्ट। कौन था? नाम याद करना, सुहा भट्ट। ये एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण हिंदू था, ठीक है। अब बताया जाता है इतिहास में कि इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। क्या कर लिया? इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। किसने? सुहा भट्ट ने इस्लाम कबूल करा, और इस्लाम कबूलने के बाद बताया जाता है ये कट्टर मुस्लिम बन गया। इसने हिंदुओं पर अत्याचार करे। क्या करे? हिंदुओं पर अत्याचार करे। तो हिंदुओं पर अत्याचार करे, उसके बाद क्या करे? हिंदुओं पर अत्याचार। और बताया जाता है कि सिकंदर शाह ने इसी के कहने पर, किसके कहने पर? सुहा भट्ट, जो इसका प्रधानमंत्री था, परामर्शदाता था या सलाहकार था, इसी के कहने पर पहली बार कश्मीर में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनवाया, ठीक है ना। जबरन धर्मांतरण, मतलब सिकंदर शाह ने यह फरमान जारी कर दिया था कि या तो इस्लाम चुनो या फिर तलवार चुनो, मतलब तलवार मतलब मौत चुनो, या यहां से भाग जाओ। तो कश्मीरी पंडितों का पलायन, ठीक है, का इतिहास यहीं से जुड़ा हुआ। पहली बार कश्मीरी पंडितों को यहीं इसी शासक ने सताया था। क्या नाम है, समझ में ना? क्या नाम है? एक मूवी आई थी ना, एक आई थी कश्मीरी पंडितों के ऊपर, दी कश्मीर फाइल्स, ठीक है, उसमें दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से विस्थापित। तो इसने इसी के कहने पर, किसके कहने पर? सुहा भट्ट के कहने पर, किसके कहने पर? सिकंदर शाह ने क्या करा था? सिकंदर शाह ने जबरन क्या बनवाया? जबरन धर्मांतरण करवाया। जबरन धर्मांतरण, कहने का मतलब यह है कि या तो मौत चुनो, यही औरंगजेब करेगा अपने समय पर, मौत चुनो या यहां से पलायन हो जाओ, यानी निर्वासित हो जाओ, या इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, ये ऑफर रखे गए थे, ठीक है। तो कश्मीरी पंडितों का यहां से क्या कर दिया? पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया। और जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, उनको वहीं पर रहने दिया, ठीक है। और जो ज्यादा आनाकानी कर रहे होंगे, उनके साथ क्या करा होगा? आ जाओ तुम्हें जो मार देते हैं, मतलब उनको कत्ल करवा दिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो इसका नाम क्या है? बुधसिकन। तो पहला काम इसका समझ में आया, सिकंदर शाह ने क्या कराया? जबरन धर्मांतरण, के इस्लाम धर्म कबूल करो। और पीछे हाथ किसका था? सुहा भट्ट का। किसका हाथ था? सुहा भट्ट का। इसके कहने पर इसने ऐसा कराया था, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट याद रखना तुम्हें सिकंदर शाह के बारे में, टॉपिक क्या चल रहा हमारा? सिकंदर शाह, कट्टर मुस्लिम शासक, कहां का? कश्मीर का। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि इसने हिंदुओं पर कश्मीर में जजिया टैक्स लगा दिया। हिंदुओं पर क्या लगाया? हिंदुओं यानी गैर मुस्लिमों पर लगता था, हिंदुओं एवं गैर मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिमों पर कौन सा टैक्स लगाया? जजिया कर, ठीक है। अगर पूछा जाए जजिया कर किन्ने लगाया कश्मीर में, तो क्या नाम बताओगे? सिकंदर शाह। मैंने ये आपको लिखवाया था उस दिन, जजिया पढ़ाया था कि कश्मीर में किसने, सिकंदर शाह ने लागू कराया। गुजरात में कौन बताया था बताना? एक बार बताओ, गुजरात में किसने लागू कराया था जजिया? जब हम गुजरात पढ़ेंगे अभी, परंतु मैंने फैक्ट तो लिखवाया था ना, ये अहमद शाह, याद करो, अहमद शाह ने लिखवाया था क्या? छोटा डॉन भी जुड़ चुके हैं, वासु चौधरी, जाट लिखते हैं भैया जी, राम राम, राम राम वासु। देखो पुलिस वाले भी जुड़े हुए हैं, वासु, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? तो जजिया कर लगाया, बता दोगे। दूसरा एक अच्छा काम भी करा इसने, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? सती प्रथा पर, प्रतिबंध। तो ये तो अच्छा काम माने जा सकता है, ठीक है।
परंतु उस समय की स्थिति से देखा जाए, उस समय तो हिंदू इसे अपनी धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप मानते थे, तो हिंदू तो इससे नाराज थी, ठीक है ना। हालांकि कार्य अच्छा है, क्योंकि जब सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और राजा राम मोहन राय ने मिलकर प्रतिबंध लगाया था 1829 में, तो हिंदू तो तब भी नाराज हुए थे कि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि सती प्रथा तो एक बहुत बुरी बुराई है, समझ में आया ना। तो सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? हिंदुओं से कह दिया माथे पर कोई चंदन नहीं लगाएगा, माथे पर चंदन नहीं। ये किसने आदेश लिखवा दिया? किसने? समझ में आ रहा? इसकी प्रवृत्ति कैसी है? बुत सिकन। तो ये क्या काम करेगा? अनेक मंदिरों, अनेक मंदिर तुटवाए। किसने? सिकंदर। जिसमें एक पूछा जाता, एक कश्मीर में मंदिर है मारतंड मंदिर, सूर्य मंदिर है, कौन सा? मारतंड मंदिर। अभी ये मंदिर करंट अफेयर में भी चर्चा में है, इस पर करंट अफेयर से क्वेश्चन लाऊंगा। इसके मरम्मत की बात चला रही है जम्मू कश्मीर सरकार, ठीक है, इसके मरम्मत की बात चला रही है। और सिकंदर शाह ने क्या काम करा? सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में, क्योंकि जो इस्लाम के विरुद्ध है, ठीक है, इस्लाम के विरुद्ध है क्या? मदपान करना, मदिरा पान करना, ठीक है, जुआ खेलना। तो मदपान, मदपान समझ गए? बताइए क्या? मदिरा, ठीक है, मदपान और जुआ, जुआ एवं अनेक असैनिक वाद्य यंत्र, असैनिक वाद्य यंत्र मतलब देखो संगीत यंत्र होते हैं कुछ, तो होते हैं जैसे सेना में, सेना जिनका सेना में प्रयोग होता अलर्ट करने के लिए, तो उनको तो बजा सकते हो। देखो वास्तव में मूल इस्लाम जो होता, मूल इस्लाम बताते हैं कि ये लोग संगीत के भी विरोधी होते हैं। क्या होते हैं? संगीत के, यानी संगीत इनके धर्म में हराम है, संगीत नाचना गाना। और अब तुम बॉलीवुड में देखो सारे खान है, समझ में ना। तो सब किसके खेल है? पैसे का। नियम किस पर लागू करवाते हैं ये लोग? गरीबों पर, ठीक है ना। नियम किस पर लागू कराते हैं? गरीबों पर। वास्तव में अमीरों पर कोई नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो संगीत को प्रतिबंधित भी करा दिया था इसने, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो। समझ में आया नहीं आया? बताइए, क्लियर है? तो किसने मदपान, जुआ, अनेक असैनिक वाद्य यंत्रों पर रोक लगवा दी? क्या शासक बताओगे? सिकंदर शाह। कश्मीर में पहली बार जजिया टैक्स किसने लगवाया? जजिया आप सब जान ही चुके हैं, कई बार जजिया जजिया हो रही है अब तो मध्यकाल में, ठीक है। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, सदका, यही हो रहा। अब तो हक्के सर्व, उस्र, घरई कर, चरई कर, खराज, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा टॉपिक? तो यहां तक क्लियर है सिकंदर शाह? बढ़िया है, चलो आगे चले नेक्स्ट। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा, पुत्र का नाम रहेगा शाही खां। क्या नाम रहेगा? और वह गद्दी पर जब बैठेगा जैनुल आबदीन के नाम से, किसके नाम से? आबदीन के नाम से, ठीक है। दिल्ली की गद्दी, सॉरी कश्मीर की गद्दी पर बैठेगा, कश्मीर का अगला सुल्तान बनेगा। आज की क्लास का हमारा मुख्य टॉपिक ही जैनुल आबदीन है, समझ में आया ना। इससे तो जितना पढ़ाया 10% चांस है कि इससे सवाल आए, 90% अगर कश्मीर से सवाल आता तो किससे आता? तो लिख दें टॉपिक। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्लियर हो रहा सब कुछ? सुमित लिखते हैं ईद मुबारक, बंटी लिखते हैं सर जी नमस्ते, छोटा डॉन गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आगे चलते हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक रहेगा जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन, ठीक है, जैनुल आबदीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं, जैनुल आबदीन, ठीक है, जैनुल आबदीन। करें स्टार्ट? देखो भैया इसके बारे में सबसे पहले इसका मूल नाम, मूल नाम मैंने आपको अभी बताया था, असली नाम क्या था? शाही खां, शाही खां इसका असली नाम है। और ये जब कश्मीर की गद्दी पर बैठता है तो जैनुल आबदीन के नाम से बैठता, किसके नाम से बैठता? जैनुल आबदीन। अगर हम इसके कुछ उपाधियों की बात करें, कुछ उपाधियां देखें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में उपाधियां। पहली इसकी उपाधि एक याद रखेंगे आप,
इसको जनता के द्वारा वुड साहा की उपाधि दी गई। कौन सी? वुड साहा या बड साहा? बड साहा। बड साहा का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि महान शासक, ग्रेट किंग। क्या मतलब होता है इसका? महान राजा। और वास्तव में ये था भी कश्मीर का सबसे महान राजा ही। अगर आपसे कुछ में ये भी आया ना क्वेश्चन एग्जाम में कि कश्मीर का सबसे महान शासक कौन था, ठीक है, क्या था ये सबसे महान शासक? सबसे कश्मीर का सबसे महान शासक। और ये उपाधि इसको प्रजा ने दी थी, जनता ने। किसने दी थी? प्रजा ने, जनता ने ये उपाधि दी थी इसको, ठीक है। दूसरी एक इसको उपाधि याद रखनी है प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अब कारण हम जानेंगे क्यों। देखो, ये एक उदार शासक है, न्यायप्रिय शासक है, कल्याणकारी शासक है, इसलिए इसकी तुलना करी गई अकबर से, मुगल शासक अकबर से। जैसे जब ये गद्दी पर बैठेगा हम इसके कार्यों को गिनेंगे, जजिया टैक्स हटा देगा हिंदुओं से, जजिया टैक्स की समाप्ति कर देगा, ठीक है। एक टैक्स और लगता था जब अंत्येष्टि अंतिम संस्कार पर जाते थे हिंदू करने, तो वहां पर एक टैक्स लगता था, उसको भी समाप्त कर देगा ये, ठीक है। जितने जबरन मुस्लिम बनवाए थे सिकंदर शाह ने, इसके पिता ने, उनको सबको कह देगा अपने धर्म में वापिस आ जाओ। जितने मंदिर तुटवाए उनका पुनर्निर्माण कराएगा, बहुत सारे काम कराएगा, ठीक है, जानेंगे हम। इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाएगा। और तीसरा एक इसकी उपाधि याद रखनी है, इसको कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में किस लिए याद करते हैं? उसकी बाजार एवं नियंत्रण, बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के लिए तो जाना जाता है वो। इतिहास में क्यों जाना जाता है? बाजार एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, नियंत्रण व्यवस्था के लिए कौन जाना जाता है इतिहास में? दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी। कश्मीर में यही काम करेगा जैन अलाउद्दीन। तो इसका एक टाइटल है, क्या है एक टाइटल इसका याद रखना आपको? कुतुब। क्या याद रखना? कुतुब। ये भी पूछा जाता है कुतुब। ये इसका एक उपनाम भी था। क्या था ये? निकनेम। ये कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं करता था। क्या करता था? यानी संगीत प्रेमी भी था, फारसी में कविताएं करता था। क्या करता था? कविताएं, ठीक है। अगर पूछे कश्मीर का कौन सा शासक कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं करता था, क्या नाम दोगे? जैनवल आबदीन। क्या नाम दोगे? और एक इसकी उपाधि मिलती है आपको, मुसलमानों के खलीफा का सहायक। मुसलमानों के खलीफा का सहायक, सहायक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पांच उपाधि किसकी याद रखनी है आपको? जैनुअल आबदीन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार करना है ये, अच्छे से तैयार करना है। एक बार ऑनलाइन वालों का हालचाल पूछें, परफेक्ट परफेरेंस नालंदा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। ये कमेंट अपडेट क्यों नहीं होते? ये कमेंट, चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आया आपको? अब हम जानेंगे इसके प्रमुख कार्य किसके? जैनवल आबदीन के। टॉपिक क्या चल रहा हमारा? जैनवल, जैनवल आबदीन, ठीक है। इसमें हम पहला कार्य देखेंगे इसका। देखो, एक इसकी हम एक करेक्टर के बारे में याद रख सकते हैं, ये मुस्लिम होते हुए मांस नहीं खाता था, यानी मीट का सेवन नहीं करता था। तो पहला याद रखेंगे, मीट का सेवन नहीं कर, समझ में आया? तो पहला कौन सा पॉइंट है? मांस नहीं खाता था, ठीक है, मांस नहीं खाता था, पहला पॉइंट समझ में आया। और इसीलिए इसने अपने शासनकाल में गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। पूछा जाए गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया?
गो हत्या पर प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गो हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? जैनुअल आबदीन ने, याद रहेगा। दूसरा, जजिया करके क्या कर दी? जजिया कर और साथ ही साथ अंत्येष्टि कर, एक कर लगता था जब हिंदू अपने देह संस्कार के लिए जाते थे शमशानों में, तो वहां पर भी पैसे लिए जाते थे। क्या लिए जाते थे? पैसे। तो उस कर को भी क्या कर दिया किसने? जैनवल आबदीन। क्लियर हो रहा? तीसरा पॉइंट, अब इसका एक काम मान लो, या ये मान लो कि इनने हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा करा, इसने कहा कि तुम सती प्रथा चालू रखो, यानी सती प्रथा को पुनः स्टार्ट करा दिया। समझ में आया ना? प्रतिबंधित नहीं, सब सवाल जो आज तक तुमने इतिहास में पढ़े होंगे कैसे कि दिल्ली सल्तनत का वैसा स्थिति, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया मोहम्मद बिन तुगलक, कौन सा मुगल शासक, तो अकबर ने प्रयास करा, औरंगजेब ने प्रयास करा, और कौन सा अंग्रेज गवर्नर था? अल्बुकर्क, जिसने गोवा में प्रतिबंधित कराया। तो हमने आज तक सवाल क्या पढ़े? परंतु ये ऐसा शासक है, इनने हिंदुओं को खुश करने के लिए क्या कर दिया? सती प्रथा को, सती प्रथा से प्रतिबंध हटा लिया, हटा लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? यानी पुनः प्रारंभ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पुनः प्रारंभ करा दिया सती प्रथा को। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नहीं आया? किसके बारे में पढ़ रहे? जैनुल आबदीन। मांस खाता था क्या? गोहत्या पर जजिया कर और अंत्येष्टि कर की सती प्रथा से प्रतिबंध। दूसरा, जो मंदिर तोड़े गए थे, अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। क्या कराया? पुनर्निर्माण कराया किसने? जैनुल आबदीन ने। साथ ही साथ जो व्यक्ति धर्म धर्मांतरण जबरन धर्मांतरण वालों को पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई, जबरन धर्मांतरण किए गए लोगों की उनके धर्म में वापसी कराई। क्या कराई? वापसी कराई। ठीक है, किसने? साथ ही साथ जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए थे उनको पुनः बसाया। ठीक है ना? विस्थापित कश्मीर पंडितों को, या कश्मीरी हिंदू लिखो तो और अच्छा रहेगा, कश्मीरी हिंदुओं को पुनः बसाया। क्या बसाया? पुनः बसाया। ठीक है, किसने? जैनुल आबदीन ने। यहां तक समझ में आया? आगे कंटिन्यू करें। देखो, जैनुल आबदीन ने और क्या क्या काम करे, इसके कार्यों में याद रखेंगे हम कि इस जैनुल आबदीन ने अपने यहां पर हिंदुओं को भी उच्च पदों पर रखा, हिंदुओं को उच्च पद दिए, उच्च पदों पर नियुक्त करा। ठीक है, बताया जाता है ये जैनुल आबदीन हिंदू और मुस्लिम दोनों के त्योहारों में भाग लेता था। ठीक ना? हिंदू व मुस्लिम मुस्लिम दोनों त्योहारों में भाग। तो कैसा शासक बोल सकते हो इसको आप? इसको धर्म निरपेक्ष शासक बोल सकते हो। कैसा बोल सकते हो? धर्म निरपेक्ष, धार्मिक शासक नहीं था ये, धर्म निरपेक्ष शासक था। ठीक है, क्योंकि इसके कार्यों से ही पता चल रहा है हमको। क्लियर है यहां तक? नोट पीडीएफ मिल जाएगी, नोट डाउन पर थोड़ा कम फोकस करो, बस इस समय समझ लो टॉपिक को। ठीक है ना? बताया जाता है एक कुशल अभियंता था। क्या था? कुशल इंजीनियर था। इंजीनियर, इंजीनियर मतलब अभियंता। क्या बोलते हैं इंजीनियर को हिंदी में? अभियंता। इसने जो कश्मीर में वुलर झील थी, वुलर, कौन सी झील? वुलर झील आज भी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। ठीक है ना? वुलर लेक पढ़ते हो ना, वुलर डल, ये दोनों कहां पर पड़ती हैं? कश्मीर में। तो बताया जाता है कि इसने वुलर झील में, कौन सी झील में?
हाँ जी, फ्रेश लेटर, फ्रेश वाटर लेके इसने एक जोना लंका, जोना लंका नामक द्वीप भी बसाया था। ये कृत्रिम द्वीप था, द्वीप आइलैंड, ठीक है। और इसी में अपना राजमहल बनवाया, और बताया जाता है इसी द्वीप पर एक इसने मस्जिद भी बनवाई थी। क्या बनवाई थी? मस्जिद भी बनवाई थी। किसने? जैन अलाउद्दीन। तो पूछा जाए कश्मीर का वह शासक जिसने वुलर झील में जोना लंका नामक द्वीप बसाया? जैन अलाउद्दीन, ठीक है। बताते हैं कि इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसके पुत्र सारे आवारा निकम्मा निकले, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक कहावत है ना, इसका मतलब समझते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर पूत कपूत है, मतलब निकम्मा नाकारा, तो क्यों धन संचय, क्यों पैसे को जोड़ रहे हो, तो उड़ाई देगा सबको, कर देगा बर्बाद सबको। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पूत सपूत है मतलब अच्छा है, सपूत है, तो फिर भी क्यों धन को जोड़ रहे हो, वो फिर खुद कमा लेगा, ठीक है, उसके लिए धन की क्या जरूरत, ठीक ना। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो धन ज्यादा आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में आया ना। बताते हैं कि औलाद इसको नेगेटिव में ही लेती है, क्योंकि कमा कमाया मिल जाता है ना, समझ में ना। सोहन लिखते हैं, ऑल एग्जाम कोचिंग स्टूडेंट पीसीएस स्टेट एग्जाम तक की, सर आप जो सिलेबस कवर कराते हो उससे की लेवल तक की एग्जाम दिया जा सकता है, उससे तक की यूपीएससी लिखा, क्या लिखा? हाँ यूपीएससी तो प्री नहीं, पर यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस तुम किसी का भी दे सकते हो, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इनने एक ग्रंथ लिखा था शिकायतनामा, कौन सा ग्रंथ लिखा? शिकायत करते हैं ना, किसी से शिकायत लगाते हैं, तो शिकायत नामक ग्रंथ की रचना किसने करी बताइए, किसने करी? और बताते हैं ये इसने दुखी होकर लिखी थी, वृद्धावस्था में दुखी होकर, जब ये अपने पुत्रों से परेशान था, वृद्धावस्था में दुखी होकर, दुखी मन से, ठीक है। किसके कारण दुखी था? पुत्रों से, अपने नाकामा नाकारा और निकम्मे पुत्रों से, समझ में आया। इसके शासनकाल की एक घटना हमको और याद रखनी है, इसके शासनकाल में ही जैन अलाउद्दीन के समय पर महाभारत, महाभारत, महाभारत और एक पुस्तक है राज तरंगिणी, कौन सी? राज तरंगिणी, राज तरंग, तरंगी, रुक जाओ, राज तरंगिणी, इस पुस्तक का इसने फारसी में अनुवाद कराया, किसने? फारसी में अनुवाद, ठीक है। महाभारत और राज तरंगिणी दोनों पुस्तक। देखो अब एक इंपॉर्टेंट सवाल राज तरंगिणी से भी आता, किससे आता? राज तरंगिणी, इसके बारे में हम जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली जानकारी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, किसके संबंधित है? कश्मीर के इतिहास, किससे हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? राज तरंगिणी से। और ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, कौन सी भाषा में? और इसकी रचना जो करी थी वो कल्हण नामक व्यक्ति ने करी थी, किसने? कल्हण, ठीक है, किसने करी थी? कल्हण। इसके अनुसार देखो बताते हैं कि ये जयसिंह के समय पर पूरी करी थी, एक कश्मीर का शासक था हिंदू शासक, जयसिंह के शासनकाल में पूरी करी इसने, शासनकाल में पूरी करी, ठीक है। और इसने कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक भी जयसिंह को बताया, अंतिम हिंदू शासक किसको बताया, ठीक है, क्या बताया, किसको? जयसिंह को, अंतिम हिंदू शासक। पूछा जाता है एग्जाम में कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक कौन था, और ये किसके दरबार में रहता था कल्हण, उस व्यक्ति का भी नाम याद रखना। कल्हण जो रहता था, एक कश्मीर का शासक था श्री हर्ष, क्या बोलते हैं उसको? श्री हर्ष,
श्री हर्ष, एक कश्मीर का शासक था श्री हर्ष, उसके दरबार में रहता था ये, और श्री हर्ष को ही कश्मीर का नीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यह भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वास्तव में नीरो एक शासक था इटली का, तो बताया जाता रोम, एक बार रोम में विद्रोह हो रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, नीरो क्या कर रहा था? बंसी बजा रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो सैम जब कश्मीर पर संकट आया था तो श्री हर्ष भी अपने धुन में मगन था, तो इसको एक टाइटल दिया गया कश्मीर का नीरो। इसी के दरबार में रहता था कलहण, और कलहण ने रचना करी किसकी? राज तरंगने की, संस्कृत भाषा में, और उसमें अंतिम शासक माना है जयसिंह को, क्योंकि ये पूरी हुई थी जयसिंह के समय पर ही। अब क्योंकि ये अनकंप्लीट थी तो फिर पूछा जाता है कि कलहण की राज तरंगने को किन दो व्यक्तियों ने पूरा करा, समझ में ना, किन दो व्यक्तियों ने पूरा करा? तो एक तो नाम रखना जोनराज एंड श्रीवर, एंड श्रीवर दोनों ने इसको कंप्लीट करा। क्या करा? कंप्लीट किया, पूरा करा। या कभी कभी देखो सवाल ऐसे नहीं आएगा, इनको नाम देते हैं, इसको मान देते हैं कलहण वाली को प्रथम राज तरंगनी, इस वाली को मानते हैं जोनराज वाली को द्वितीय, और श्रीवर वाली को मानते हैं तीसरी, और एक और है चतुर्थ राज तरंगनी, प्रभा भट्ट और शक ने उसकी रचना करी है। तो कभी कभी ऐसे ना पूछ के, ऐसे पूछा हुआ सामान्य सवाल तो ऐसे ही पूछा हुआ सिंपल, कि कलहण की राज तरंगनी को किसने पूरा करा, किन दो व्यक्तियों ने? तो जोनराज और श्रीवर, जोनराज और श्रीवर। और अगर पूछ ले कि प्रथम राज तरंगनी, फर्स्ट राज तरंगनी का लेखक पूछे तो कौन बताओगे? कलहण। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, वो पूछने का तरीका उसका बदल सकता है। सेकंड पूछे तो जोनराज, जॉन। तीसरी पूछे तो, थर्ड पूछे तो श्रीवर, और चौथी पूछे तो फोर्थ। ऐसे ऐसे या वैसे? सही लिखा, प्रभा भट्ट और शक, प्रभा भट्ट और शक, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हो आप। हाँ क्लियर, सही चल रही है भाई क्लास? बताइए बच्चों जल्दी से, ऑनलाइन वालों के भी तो कमेंट लेते रहे, जल्दी से बताइए। वैसे अब तो ये जो आपका खत्म ही है, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। शिवा शर्मा, बढ़िया, ठीक है। एक और याद रखना चाहो तो रख लेना, जो इसने जैनुल आबदीन ने टैक्स लिया था वो अपने समय पर 1/6 लिया था। टैक्स कितना था इसके समय? ये लास्ट फैक्ट था, ठीक है। तो ये कश्मीर राजवंश था क्षेत्रीय राजवंशों में, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसी लगी आपको क्लास? ठीक है, एक क्वेश्चन आज की क्लास से संबंधित रहेगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मलिक उस सर्क ये जौनपुर के किस शासक की उपाधि थी, ठीक है ना, मलिक उस सर्क। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, क्लास कैसी लगी ये भी लिखना। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें, नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के साथ।